गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है हमारा नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश सिंह। ये हमने कहाँ तक कर लिया था पहले, कल उसका थोड़ा सा बताते पहले कि जहाँ पर यानी कि जो हौलदार साहब थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को एक चौराहे पर बनाया गया था, लेकिन हौलदार साहब जब वहाँ से रोज गुजरते हैं तो वे कहते हैं कि इस मूर्ति तो संगमरमर के पत्थर की बनाई गई है, लेकिन जो चश्मा होता है यह असली है। तो इसको मूर्ति बनाने का असली कौन लगाता है, ऐसे पूछ रहा होता है वो। और फिर वह कहता है कि यानी कि इसको मूर्ति बनाने का काम किसको सौंपा गया था, कि वो था मोतीलाल ड्राइंग मास्टर। उसको उसने कहा था कि एक महीने में मैं मूर्ति को बनाकर तैयार कर दूंगा, तो वह उस समय के बारे में बता दिया था। आगे देखते हैं, हौलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल लग रहा था। यानी कि वह कहते, हौलदार साहब कहते हैं कि मुझे ये सब बड़ा अनोखा सा लग रहा है। क्यों लग रहा था? कि मूर्ति तो संगमरमर के पत्थर की बनाई गई, लेकिन इस पर जो चश्मा होता है वह किसका था? वह कहते कि क्या तो चश्मा बनाना भूल गया होगा, या कांच का जो चश्मा होता है उस पर अच्छे से तय नहीं किया होगा, बारीक से बन गया होगा, वो टूट गया होगा, इसलिए इस पर चश्मा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वह ऐसे विचित्र और बात सोच रहा है। इन ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुका कर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते भी वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? तो वह कहते कि ऐसे खोए खोए वह फिर दोबारा से चश्मे वाले देश उसके पान वाले के पास जाते हैं और पान वाले से पूछते हैं कि क्या ये हर रोज इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जो चश्मा बदला जाता है, जो आप बताते कि कैप्टन बदलता है रोज चश्मा, तो वह कहते कि या तो फिर ये उसका साथी होगा, या फिर कोई सिपाही तो नहीं है, या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा, देशभक्ति जो सिपाही होता है वही ऐसे कार्य कर सकता है, ऐसे वो पूछ रहा है। तो पान वाला नया पान खा रहा था, उस समय पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हौलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। फिर पान वाला उसे क्या कहता है कि आप ये कहते हो कि या तो फिर वो देशभक्त कोई सिपाही है या फिर उसका दोस्त है। तो उसे ऐसी बात जब वह करता है हौलदार साहब, तो पान वाले को क्या होता है, बड़े हंसी मजाक आते हैं। तो वो हंसी में उसे हौलदार साहब से कहते हैं, हंसकर मुस्कुराकर, कि वो तो लंगड़ा है कैप्टन, क्या है एक पैर से लंगड़ा है। वह कहते हैं कि क्या वो लंगड़ा फौज में जाएगा, ऐसा उसका हंसी मजाक उठा रही है। और ऐसे ही उसके सामने से जब उसको कैप्टन आता हुआ दिखाई देता है, तो पान वाला हौलदार साहब से कहता है कि चलो वो आ गया, वो तो वैसे ही पागल है, लंगड़ा भी है पागल भी है, वो फौज में नहीं जा सकता है, आप उसी से बात कर लो। फिर आगे हैं, हौलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। फिर वह कहते कि जब पान वाला उस कैप्टन का हंसी मजाक उड़ा रहा है, तो हौलदार साहब को ये चीजें अच्छी नहीं लगती कि देखो वो देश उसके अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है कैप्टन के अंदर, तभी तो वो उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर रोज चश्मा बदलता है रहता है। तो वह कहते वह हैरान रह जाता, मुड़कर देखा और अवाक रहेगा, हैरान रह जाता है पान वाले की ऐसी बातें सुनकर, वह हैरान रह जाता है। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी ओढ़े, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी गली से निकला था। फिर वह कहता है कि हरे, यानी कि कैप्टन वही था कि मैंने देखा, वह यानी कि क्या था, एक मरियल सा आदमी था, गांधी टोपी उसने पहन रखी थी, हाथ में संदूकी लिए हुए था और एक बांस की लकड़ी पर उसने बहुत सारे चश्मे डाल रखा था और वह गली गली घूम रहा था, आवाज दे रहा था, चश्मे अपने चश्मे बेच रहा था, अपना व्यापार कर रहा था। तो वह कहते कि वही कैप्टन चश्मे वाला, उसके अंदर भी लगता उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसमें देशभक्ति भावना है। अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस पिका रहा था तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। तो मैं कहता हूँ उसी समय हौलदार साहब देखते हैं कि वह क्या एक बंद दुकान है और उसके सामने अपनी बांस की लकड़ी पर जो चश्मे डाले हुए था, रखे हुए था, टांगे हुए था,
कहते कि वो वहां पर उस लकड़ी के बांस की लकड़ी को रख देता है। वे सोचते हैं कि अरे देखिए बेचारा जगह जगह गली गली घूम रहा है, फेरी लगा रहा है। फेरी लगाना होता है गली गली घूमना, गली गली घूमकर अपने चश्मे को बेच रहा है। इस बेचारे के अपने खुद की कोई दुकान भी नहीं है, ये गरीब आदमी है और वो पान वाला इसका मजाक उड़ा रहा है। तो होलदार साहब चक्कर में पड़ गई, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहती है। फिर हौलदार साहब कहते हैं कि मैं इस चक्कर में पड़ जाता, वैसे उस लोगों लोग मैं कहते कि लंगड़ा है, फौज में भी भरते हैं, लेकिन फिर भी इसे भी लोग इसे कैप्टन कैप्टन कह करके पुकारते हैं। तो मैं उसे इस बात का पूछना चाहता हूँ कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। वह कहते कि या फिर इसके बचपन का नाम ही कैप्टन रखा होगा। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब भी वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके बाद में क्या पान वाले ने उस होल्डर साहब को कह दिया था कि इस आगे मुझे नहीं पता, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हौलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। फिर वह कहते हैं कि यानी कि हौलदार साहब का जो ड्राइवर था वह तो काफी समय तक बैठे हुए जीप में परेशान हो गया था, बेचैन हो गया था और उसको काम भी कुछ था। तो हौलदार साहब क्या करते हैं उस समय वहां से निकल पड़ते हैं। 2 साल तक हौलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति को बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। वह कहते कि 2 साल तक हौलदार साहब क्या करता, उस चौराहे के पास से ही गुजरना होता था उनका रोज, और वह हर रोज जब भी गुजरते थे तब भी उसी मूर्ति को वो देखते रहते थे। कभी गोल तो वे देखते थे कि कभी मूर्ति पर गोल चश्मा लगा हुआ है, कभी चौकोर आकार का लगा हुआ है, कभी लाल लगा हुआ है, कभी काले फ्रेम का लगा हुआ है, कभी कांचों वाला गेंगो चश्मा। कहते कोई नया नई चीज उस पे लगी हुई दिखाई देती, कोई जरूर चश्मा होता, जरूर उसी धूल भरी यात्रा में हौलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए नहीं रहे। अभी हमारे ऊपर गद्यांश था कि हौलदार साहब को पान वाले के देशभक्ति के मजाक उड़ाया, इसमें से क्वेश्चन आंसर बनते हमारे। पाठ लेखक का नाम तय है क्या है, पाठ का नाम इसमें नेताजी का चश्मा, लेखक है इनके स्वयं प्रकाश सिंह। हौलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा था, हौलदार साहब को ये अच्छा नहीं लगा था कि पान वाला एक देशभक्त व्यक्ति का क्या कर रहा है, कहकर मजाक उड़ा रहा है कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा। ऐसे कहकर हौलदार साहब ने को ये बात अच्छी भी नहीं लगी पान वाले की। तो कैप्टन के व्यक्तित्व पर वर्णन कीजिए, कैप्टन कैसा व्यक्ति था। एक बहुत ही बूढ़ा था, लंगड़ा था, गांधी टोपी उसने पहन रखी थी और अपनी आंखों पर काला चश्मा उसने लगा रखा था। हाथ में एक छोटी सी संदूक के लिए हुई थी। बताया गया था ऊपर कि वह एक बेहद बूढ़ा था, मरियल आदमी था और काला चश्मा पहने हुआ था, एक छोटी सी संदूक के लिए था। ये कैप्टन की क्या है विशेषता है, व्यक्तित्व का वर्णन है, कैसा था कैप्टन, क्या कार्य करता था कैप्टन, बेचारा चश्मे बेचता था, उसकी स्वयं की कोई दुकान नहीं थी, गली गली जा करके भी फेरी लगाता था, घूमता फिरता रहता था। हौलदार साहब को कैप्टन देशभक्त क्यों लगा था, हौलदार साहब को चश्मे बेचने वाला कैप्टन देशभक्त इसलिए लगा था कि वह फेरी लगा कर भी चश्मे बेचता, उसके स्वयं की कोई दुकान नहीं होती, सचमुच चश्मों के फ्रेम लगा देता है। अवश्य ही ऐसा नेता फिर कभी नहीं होगा। और वह कहता है आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है या कोई उसका साथी है। वह पूछता है कि रोज इस पर मूर्ति पर चश्मा बदलता है, या तो फिर कोई देशभक्ति है या फिर उसका कुछ साथी है। तो ये हौलदार साहब कैप्टन के प्रति देशभक्ति के सहयोग की भावना को दर्शाता है। हमारा एक सेनानी ने होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, या कैप्टन के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन। अभी बताया गया था कि कैप्टन कैसा था, कैप्टन बूढ़ा था, मरियल था, चश्मे बेचने का कार्य करता था, हाथ में संदूक के लिए भी था, कोई सेनानी था। फिर वह कहते कि लेकिन जो कैप्टन होता है चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं, वह सेनानी नहीं था और न ही वह देश की फौज में था। कि जो कैप्टन है वह न तो सेनानी था न फौज में था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर क्यों पुकारते, इसका कारण क्या रहा होगा। तो वह कहते कि चश्मे वाला जो कैप्टन था उसके अंदर देशभक्ति की जो भावना होती वह फूट फूट कर भरी हुई थी। वह अपनी शक्ति के अनुसार देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान सहयोग देता था, जितना उसे बन सकता था। लेकिन कैप्टन के इस कस्बे में चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति लगाई हुई थी, तो लेकिन उस मूर्तिकार पर मूर्ति ने क्या किया, चश्मा लगाना भूल गया था। मूर्ति तो उसने संगमरमर के पत्थर की बना दी गई थी, लेकिन उस पर चश्मा किसी चीज का भी नहीं लगाया था। तो वह कहता है कि ये मूर्ति जो बनाई गई है इसके मन में क्या था, अपने देश के नेताओं के प्रति अपना आदर था, सम्मान की भावना थी। लेकिन उसे जब तक जीवित रहा, जब तक नेताजी की मूर्ति
फिर वह कहता है कि लेकिन देशभक्ति था, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, कैप्टन हर रोज उस पर चश्मा बदलता रहता था। लेकिन जब एक दिन हॉलदर साहब को जब वहां से गुजरते हैं तो उस समय उसने क्या था, उस मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो पान वाले से पूछता है कि आज इस मूर्ति पर चश्मा नहीं बदला गया, नहीं लगाया गया है क्या, कैप्टन था जो, कैप्टन को उसने नहीं देखा है, उसे मर गया है क्या। तो उसकी बातें को जब सुनता है कि कैप्टन नहीं है, मर चुका है, ये तो उसको देख, उसकी बातों को सुन करके यानी कि कैप्टन के प्रति उसकी सहानुभूति दर्शाता है और उसके बड़ा दुख होता है। और उसके मन में नेताओं के प्रति देखो कितना आदर था, सम्मान था। वह कहते कह रहे देखिए जब तक कैप्टन जीवित था ना तब तक इस मूर्ति पर वो चश्मा बदलता रहता था, लेकिन आज किसी ने भी चश्मा नहीं बदला है। तो इसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, ये दृश्य उसमें दर्शाया गया। हौलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गई थी, कि हौलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गई थी कि जब देखता है कि चौराहे पर जो मूर्ति है इस पर चश्मा नहीं है, जब उसे पता चलता है कि कैप्टन मर चुका है तो उसकी बात को सुन करके हौलदार साहब मायूस हो जाते, दुखी हो जाते हैं और अपने ड्राइवर को भी जीप रोकने के लिए वह मना करते। नहीं तो वह रोज क्या करता था, वहां से गुजरते इसमें जीप रखवाता था और उसकी मूर्ति को ध्यान से देखता था, लेकिन आज उसने अपने ड्राइवर को जीप रोकने से वहां से मना कर दिया है, इसलिए वो दुखी थी, इसलिए मना किया। हौलदार साहब इतनी सी बात पर भाव क्यों हो उठे थे, कि चौराहे पर जब नेताजी की मूर्ति को देखते हैं तो वह कहते हैं कि बच्चों के हाथ से बना सरकंडे का चश्मा देखकर हौलदार साहब बड़े भावुक हो जाते। पहले ऐसा लग रहा था कि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगाने वाला था वो कोई वो नहीं था, ठीक है वो मर चुका है। फिर वह अपने ड्राइवर को भी क्या करता है, वहां पर जीप रोकने के लिए मना करता है। और परंतु जब उन्होंने देश नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनका मन भावुक हो गया और ऊंट की आंखों से आंसू नेताजी को प्रणाम किया। अगले जैसे ये प्रसंग में किया था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल पागल, ये कथन किसने कही थी, ये पान वाले ने कही थी, किससे कही थी, हौलदार साहब से कही थी। यह क्वेश्चन आता है हमारा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है हमारा। यह आता है कि कैप्टन के प्रति पान वाले के इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कि हौलदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले के प्रति बहुत आदर था। किसके प्रति आदर था, कैप्टन, क्योंकि हर रोज चश्मा कौन लगाता था, कैप्टन ही लगाता था, और उसके प्रति उसका आदर था, सम्मान था, भाव था। जब उन्हें लगा कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन था तो उन्हें लगा कि वह नेताजी का या तो कोई साथी होगा या फिर कोई सिपाही होगा। तो उसी समय यानी कि पान वाला उसे कहते हैं कि हाँ कि ये लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, फौज में ये कैसे जा सकता है, ऐसा कह करके वो कहते हैं, उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। कैप्टन की हंसी उड़ाना लेकिन हौलदार साहब को अच्छा नहीं लगता है। वे कहते हैं कि जिस नेताजी की मूर्ति यानी कि जो अधूरे व्यक्तित्व को पूरा किया है, कि नेताजी की मूर्ति क्या थी, अधूरी थी, अधूरी किस लिए थी, कि उस पर चश्मा नहीं था, लेकिन उस अधूरेपन को जिस व्यक्ति ने पूरा किया हो तो उसके उसके नेताजी के प्रति उसके आदर सम्मान भाव थी, तो उसकी ने पूरे कस्बे की इज्जत भी बचा रखी थी, उसने चश्मा लगा रखा था। तो वे कहते कि लेकिन हमें उसे आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन पान वाले जो पान बेच रहा होता है वह उसका क्या करता है, हंसी मजाक उड़ाता है। पान बेचने के लिए नए को ही मसाल थे, फिर यानी कि हौलदार साहब उसे कहते हैं कि आप पान बेचने के लिए कोई ना कोई मसाला वगैरह आदि चीजें ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोग देश में कुछ नहीं कर पा सकते, आप जैसे जो लोग हैं ना जो मसाला डालते हैं चीजों के लिए करते हैं तो कुछ भी नहीं कर पा सकते। एक वो इंसान था जिसने पूरे कस्बे की इज्जत के लिए अपने देशभक्ति नेता के लिए हर रोज उस पर चश्मा बदलता रहता था, वो अपनी कर्तव्य भावना थी उसके अंदर कम नहीं थी अपने देश के प्रति। पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी थी, इसलिए फिर वह कहता है कि आपको हौलदार साहब कैसे कहते हैं पान वाले से कि उसकी आपको हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ये है कैप्टन के व्यक्तित्व का वर्णन ही आ जाए या वो लंगड़ा क्या जाए खुद में, सबसे पहले बताने के कथन किसने किसको कही उसके बाद में। इसमें से जैसे हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था, मोटा भी था, काला भी था, खुश मिजाज यानी कि सभी था, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल पागल, ये नेताजी का चश्मा, ये शब्द किसने कही थी, ये शब्द किसने कही थी, पान वाले ने कही थी किससे, हौलदार साहब से, साहब कैप्टन मर गया है, नेताजी का चश्मा पाठ में, ये शब्द किसने किसे कही थी, पान वाले ने भी कही थी ये भी,
नेताजी का चश्मा पार्ट में कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था? चश्मे वाला था जो हर रोज चश्मा लगाता रहता था उसकी मूर्ति पर। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब कैसे खड़े हो गई थी, कैसे खड़े हो गए थे? अटेंशन। पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? पान वाला उदास किस कारण से था? मृत्यु का चश्मा न होना या कैप्टन चश्मे कि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी इसलिए वह उदास था। ये हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो गए, बड़े हो गए, गद्यांश के हो गए। ये हमारे राइट प्लस लेफ्ट।